एक्चुअली पोस्टर ये कोशिश कर रहा है कि ये पूरी एक्शन मूवी है, एक्शन स्टोरी है, और जो हमारा हीरो होता है वो हमेशा मारपीट करता रहता है और लड़की उसको हमेशा उसी अंदाज में देखती है तो उसको आवारा कहके बुलाती है। लेकिन लड़की तो मुझे पोस्टर पे कोई दिखी ही नहीं। लड़की नहीं दिखेगी क्योंकि फर्स्ट लुक हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा स्टार है उसके साथ ही फर्स्ट लुक लॉन्च करें, तो कल्लू हमारे स्टार हैं तो इसलिए उनको पहला लुक हमने दिया है साथ में फिल्म के। तो जो नेक्स्ट पोस्टर आएगा उसमें बाकी हीरोइंस और बाकी जो ऑल कास्ट होंगे वो सारे आएंगे फिल्म में। अवधेश मिश्रा जी मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, कहीं होंगे अवधेश जी, चूंकि अवधेश जी एक डिफरेंट ही कैरेक्टर में है। इनका नाम कैरेक्टर का लंगटा यादव होता है, वो शायद भोजपुरी का टिपिकल नेम है। आज तक लोगों ने बहुत नाम रखे होंगे विलेन के कि वो रावण सिंह और पता नहीं क्या क्या रखते हैं, बट ये एक टिपिकल नेम था और कैरेक्टर फ्लेक्सिबल था, सो इस वजह से हमने ये कैरेक्टर उनको प्ले करने के लिए दिया। और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर जिस हिसाब से उन्होंने प्ले किया है, जो मैंने सपना देखा था कभी जब लिखते हुए बुनता था सपना, तो लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कैरेक्टर, और उसको अमूमन उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसको जस्टिफाइड किया है। चंदन, पहली फिल्म थी और किस तरह का प्यार, किस तरह का सपोर्ट आर्टिस्ट से मिला आपको? सपोर्ट सब लोगों का बहुत अच्छा मिला, और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पहली इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा स्टार कास्ट है, और सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। 7 बजे बोलता था, 7 बजे सब लोग सेट पे आगे खड़े होते थे। तो ये जो मैंने फिल्म बनाई है वो इतनी बड़ी फिल्म शायद पॉसिबल नहीं था 25 दिन में ख़त्म करने का, बट लोगों का सपोर्ट और कॉपरेशन, साथ में खड़ा होना। रात को हम कभी कभी 1-1 बजे तक भी शूट करते थे, 2-2 बजे तक भी शूट करते थे, और दूसरे दिन वापस आर्टिस्ट मुझे 7:30-8 बजे सेट पे मिलते थे। तो ये कॉपरेशन जो था वो मेरे लिए बहुत थैंकफुल था उनके लिए, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट किया तो मैंने ये फिल्म बनाई प्रॉपर तरीके से, और जैसा मैं चाहता था वैसा मैंने फिल्म बनाई है पहली। ये एक सपना होता है किसी भी डायरेक्टर का कि पहली फिल्म जब बनाए तो वो अपने तरीके की फिल्म बनाए। तो मैं वैसे चाह रहा था कि कोई ऐसा मिले मुझे जो मेरे ऊपर बिलीव करे कि मैं अच्छी फिल्म बना सकते हूँ, तो वो मुझे निशिकांत सर ने दिया प्रॉपर एक टाइमिंग कि आप अपने हिसाब से फिल्म बनाइए और मेरे तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है, किसी चीज़ को लेके हस्तक्षेप नहीं है, वो अपने तरीके से आप फिल्म बनाइए, वो मैंने बनाई है फिल्म। मैं ये समझता हूँ कि निशिकांत जी आपके काम से सेटिस्फाइड थे इसीलिए आपको दूसरी फिल्म में भी मौका दे रहे हैं। हाँ, शायद जी अभी इसके बाद मैं अनाउंस करने ही वाला था, सर ने पहले अनाउंस कर दिया, साथ में पूरी टीम मिलकर हम लोग वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और इसके बाद तुरंत हम लोग अनाउंस करेंगे कल्लू की दुल्हनिया, जो वो एक अलग ही डिफरेंट स्टोरी है और थोड़ा कैनवास भी उसका बड़ा है, जिसमें 7 दुल्हने होंगी कल्लू की और वो सात स्टेट से आएंगी। आप तो कुंवारे हो, कल्लू को 7-7 दुल्हन दे रहे हो। अब भी पता नहीं, देखते हैं मेरी वाली कहाँ है। तलाश जारी है, तलाश जारी है, जिस दिन मिल जाएगी आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले। थैंक यू, थैंक यू।